हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्यूटी टिप्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे कुछ समर हैक्स जो कि हर लड़की के बहुत काम आने वाले हैं। जैसे कि समर सीजन में हमें सन टैन हो जाता है, धूप की वजह से हमारा चेहरा जो पहले से काफ़ी डल पड़ जाता है, हमारी जो नेक है वो डार्क हो जाती है, और जो हमें बार बार ऑयल इंक्रीज होता है फेस के ऊपर, काफ़ी ऑयली स्किन हो जाती है। ऑयल की वजह से हमारे चेहरे में पिंपल्स निकलते हैं और हमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं जो कि बहुत बद्दे लगते हैं। तो इन सब का सोल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर बैठे ही होम रेमेडी के द्वारा इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अभी बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल बटन होगा उसे जरूर हिट कर देना ताकि और भी अन्य अच्छे अच्छे हैक्स देख पाऊंगे। तो वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो हम शुरू करते हैं, लेट्स गो। गर्मियों में हम लड़कियों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है वो है सन टैन, मतलब धूप की वजह से जो हमारा रंग है पहले से काफ़ी डार्क हो जाता है। अगर धूप की वजह से आपकी स्किन डल पड़ गई है, आपका चेहरा पहले से काफ़ी डार्क हो गया है, आपको सन टैन की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये होम रेमेडी आपके बहुत काम आने वाली है। पहले हमें चाहिए होगा एक चम्मच ऑरेंज पील पाउडर। सबसे अच्छा सा कोई ऑरेंज पील पाउडर हो ना, तो वो भी उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। सेकंड हम लेंगे एक चम्मच बेसन। इतना बाहर यार इतनी गर्मी, इतना पोल्यूशन, तो इसलिए ये हमारे चेहरे को अंदर से क्लीन करता है। उसके बाद हम थर्ड इसमें ऐड करेंगे टमाटर का रस। टमाटर को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके उसका जो रस निकलेगा ना वो आप इसमें डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच। लास्ट में हम डालेंगे एक चम्मच शहद। अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो 2 चम्मच शहद आप डाल दीजिए, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आधा लेमन आइस पे डाल दीजिए। तो ये इंस्टेंट आपका फेस पैक बनके रेडी है। ये नहीं कि आप सिर्फ इसको फेस के ऊपर ही लगा सकते हैं, आप इसको अगर आपकी गर्दन काली पड़ गई है तो आप अपनी गर्दन के ऊपर इसे लगा सकते हैं, हैंड्स के ऊपर लगा सकते हैं। फिर आप इसको 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दें। 25 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को धो लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा सनटैन की प्रॉब्लम हो गई है तो इस पैक को आप हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर लगाएं। इससे आपकी सनटैन भी दूर हो जाएगी और अगर आपकी स्किन डल पड़ गई है तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अगर आपको नोज के अराउंड काफ़ी ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं जो कि बहुत भद्दे से लगते हैं, बहुत गंदे लगते हैं, अगर आप उनको दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास बहुत ही इजी वाली एक होम रेमेडी है। उसके लिए हम लेंगे एक चम्मच बेकिंग सोडा और उसमें डालेंगे एक चम्मच कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर आलमंड ऑयल डाल सकते हैं, विटामिन ई ऑयल डाल सकते हैं। तो फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही इफेक्टिव ये होम रेमेडी बनकर रेडी है। आप एक कटोरी में लेंगे हल्का गुनगुना पानी और एक कॉटन को इस गुनगुने पानी में अच्छे से भिगो लेंगे, और आप जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वहाँ पे आप इसकी अच्छे से इसका सेक देंगे ताकि वहाँ की स्किन सॉफ्ट हो जाए, जो आपके नोज के अराउंड की गंदगी है वो ईजिली रिमूव हो जाए। उसके बाद हमें लेना है एक टूथब्रश, लेकिन आप याद रखिए आपको सॉफ्ट वाला टूथब्रश लेना है, और इस मिक्सचर को टूथब्रश की हेल्प से अच्छे से नोज पे रब करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से करोगे, बिल्कुल हल्के हाथों से आप यहाँ पे मसाज करोगे, हल्के हाथों से नहीं करोगे तो आपकी स्किन वहाँ से छिल भी सकती है, इसलिए बिल्कुल आराम से, बिल्कुल हल्के हाथों से, और सिर्फ 1 मिनट तक ही करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स हैं, तो आप इसको हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं, लेकिन आपको कम है तो आप इसको हफ्ते में 1 बार ही कीजिएगा। 1 मिनट तक ऐसा करने के बाद जो आपने कटोरी में गुनगुना पानी लिया है और कॉटन लिया है उसी की हेल्प से आप इसको अच्छे से रिमूव कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि एक ही बार में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इससे आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो ईजिली रिमूव हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है या बार बार आपकी स्किन से ऑयल निकलता है तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप क्रीमी बेस्ड फेस वो यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर समर में आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल इंक्रीज होता है तो अगर आप उन्हें ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आपके चेहरे से और भी ज़्यादा ऑयल निकलेगा, इसलिए आप जेल बेस्ड फेस वॉश ही यूज़ कीजिए। समर्स के लिए जो बेस्ट जेल फेस वॉश है उन सब के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इसलिए आप क्रीमी बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, जेल बेस्ड फेस वॉश यूज़ करें। और हाँ, एक बात और, अगर आप कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो भी आपकी क्रीम जो है वो क्रीमी बेस्ड होती है, जैसे वो थिक सी क्रीम होती है, उसको भी आप यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर आपके चेहरे से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है। तो इसलिए आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही यूज़ कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप अपना फेस वॉश करते हैं उसके बाद सेकेंड आप यहाँ पे फेस वॉश करने के बाद आप एलोवेरा जेल यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके चेहरे से जो बार बार ऑयल निकलता है वो निकलना बंद हो जाएगा और ऑयली स्किन से भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा।
अगर आपको बार बार पिंपल्स निकलते रहते हैं तो मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ जो कि पिंपल्स को दूर करने के लिए ना बहुत ही अच्छा है। उसके लिए आप लेंगे ताजी कुछ नीम की पत्तियाँ, उनको अच्छे से धो लें और धोने के बाद उसको एक पैन में डाल दें और उसमें एक गिलास पानी भी डाल दें और इसको गैस के ऊपर रख दें। लेकिन ध्यान रखिए लो फ्लेम पर रखिएगा और इसको 10 से 12 मिनट तक गैस के ऊपर लो फ्लेम पर आप ऐसे ही रख दीजिए। 10 से 12 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे आप कोई खाली बोतल में भर के रख लें और डेली फेस वॉश करने के बाद कॉटन की मदद से इसे पूरे फेस के ऊपर लगाएं। और अगर आप इसको फुल फेस के ऊपर नहीं लगाना चाहते, सिर्फ पिंपल्स के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो आप कॉटन की मदद से इसको पिंपल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। वैसे ही लगा के लेट जाइए या फिर आप अपना कोई काम कर लीजिए, फिर 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको ऐसे ही निकाल लें, हो सके तो चेहरा धो लें, नहीं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगेगा ही नहीं कि आपने अपने चेहरे के ऊपर लगाया है कुछ। और हाँ, इसको आप रात को सोने से पहले भी ज़रूर लगाएं, इससे क्या होगा, ये रात भर आपके पिंपल्स को गायब करने का काम करेगा। ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप इसको एक हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो आपको सबसे अच्छा समर हैक कौन सा लगा इस वीडियो में तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए और प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो सब तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो जरूर ही कर देना। तो अभी मिलती हूँ मैं नेहा आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।